अस्सलाम वालेकुम जी। आज है जी डे टू शादी का, बारात है। पर उससे पहले मैंने अपनी CV प्रिंट करवानी है। 3 बजे मेरा एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू पे जाना है। इंटरव्यू से आके फिर अपने कपड़े रेडी करने हैं, शलवार कमीज़ प्रेस करनी है, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हरम खान को कॉल की जाएगी और उससे अपडेट ली जाएगी कि क्या कब तक आएगा मुझे उठाने के लिए। फिर इंशाल्लाह आज बारात में जाएंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह जी पूरी कोशिश होगी कि आज के व्लॉग को ज़रा सा मज़े का बनाया जाए। खैर, और मैंने ख़ुद को अपनी इंजरी को भी बचाना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो इंजरी जो थी उसके ऊपर टेबल लगा तो धुएँ निकल गए कानों से। अभी चलते हैं छत पे, थोड़ी सी धूप का मज़ा ले लें, फिर उसके बाद आज मैं लेट उठाऊँ। मेरा नाश्ता अभी तैयार हो रहा है। आज नाश्ते में जो है मैं खाऊँगा पराठे एंड कढ़ी और एक चाय का कप और साथ खजूरें 4-5, फिर उसके बाद एक एप्पल। ये मेरा नाश्ता है। ये मेरे पीछे और सामने है एम्पोरियम मॉल, बिल्कुल घर के करीब है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर पे। पर हम यहाँ पे अपने ज़्यादातर शॉपिंग ग्रोसरी के लिए जाते हैं, तो इतना मैं जाना पसंद नहीं करता मॉल्स में। बहुत ही कोई काम हो तो फिर चले गए, अदरवाइज़ वैसे रेंडमली जैसे कहते हैं ना, अक्सर लोगों की आदत होती है मुँह उठा के कहीं भी चल देना, अपना वो सीन नहीं है। जब तक कोई काम ना हो तब तक कहीं जाना नहीं है। इसको भी तेल लगने वाला हुआ है, आवाज कर रही है। अम्मी नाश्ता तैयार हो गया मेरा। ओके, राइट नाउ आई एम ऑन माई वे फॉर इंटरव्यू। तो अभी जाके पहले CV का प्रिंट निकलवाएंगे एंड देन घर के पास ही है ये, तो पैदल ही जा रहा हूँ। तो फिर CV लेके वहाँ पर इंटरव्यू के लिए 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा इंटरव्यू का। फिर उसके बाद घर वापस आके कपड़े रेडी करेंगे और बारात की तैयारी करेंगे। तो ये है जी JT का सबसे फेमस रोज़ पार्क। इस पार्क के अंदर से होते हुए इमाम बारगाह के पास से गुज़रते हुए मैं जाऊँगा इमाम प्लाज़ा। इमाम प्लाज़ा से फिर बहुत सारा CV के प्रिंट्स हैं और फ़ोन का बिल वो करेंगे लोड। सी ऑन द अदर साइड। मौसम अच्छा, आज धूप अच्छी निकली हुई है। रात को काफ़ी ठंड थी और स्मॉग के बड़े इश्यूज हैं जी हेल्थ पे। साइनस का इशू बन जाता है। रात को मेरी नोज़ ड्राई हो गई थी, जिस वजह से मैं नींद में उठा 2:30-3 बजे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सांस रुक रहा है। देन मैंने उठ के विक्स लगाई तो फिर कुछ आराम से नींद आई। अच्छा जी, तो मैं इंटरव्यू दे के आ गया हूँ और मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है, जिसमें 5 दिन का ट्रेनिंग पीरियड है, फिर उसके बाद 7 दिन की प्रोबेशन है, फिर इंशाल्लाह जर्नी अपनी स्टार्ट है। 3 बजे से लेके 11 बजे तक एक एज बिजनेस होगा, फिर सुबह के टाइम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो चीज़ें प्लान की है उसको अंजाम देंगे। और ये जॉब करने का मकसद यही है मेरा कि मेरा जो टाइम है वो ज़ाया ना जाए, इस वजह से मैंने इस जॉब को सिलेक्ट किया, इस शिफ्ट को सिलेक्ट किया कि मुझे बहुत सूट करती थी और मेरे घर के बिल्कुल पास है। प्लस पॉइंट इसमें मेरे फ्यूल बचेगा, दूसरा ये कि टाइमिंग्स जो हैं मैं सुबह के टाइम कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी काम जो मैं आगे करना चाहता हूँ मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करूँगा, उसकी फिजिबिलिटी तैयार करूँगा आने वाले वक्त में मैंने उसको कैसे अंजाम देना है। और दूसरी बात ये कि जो स्लॉटरिंग वाला स्टिल ब्लॉग जो मेरा रहता है
उसे मैंने एडिट करना, वो काफ़ी लंबी वीडियो है और उसे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे सारी चीज़ें ए टू जेड, जो जर्नी है कि फार्म पे जानवर आया, क्या उसकी डाइट प्लान, क्या उसकी जो सारी चीज़ें मेडिकेशन, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वो सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ये अब मैं आज बारात का व्लॉग बनाऊंगा, कल वलीमे का बनाऊंगा, फिर उसके एक दिन के रेस्ट के बाद इंशाल्लाह संडे वाले दिन मैं उस व्लॉग को एडिट करूंगा और संडे नाइट को वो अपलोड कर दूंगा। तो फिर जो पूछ रहे थे कि वो ब्लॉग कहाँ पे है स्लॉटरिंग वाला ये वो, तो भाई इस वजह से ज़रा वो वीडियो लंबी है तो उसे एडिट करने में टाइम लगेगा, वॉइस ओवर करना है कुछ चीज़ों में, क्योंकि जो स्लॉटर हाउस में वीडियो बनाई थी वो बड़े एहतियात और छुपा के बनाई गई है, जिस वजह से उसको एडिट करने में टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम अभी नहीं है, जिस वजह से मैं उसे सही तरीके से एडिट नहीं कर पा रहा और मैं चाहता हूँ उसे मैं पूरी नीयत के साथ। यस बॉस, यहाँ पर सर बैठा।